नमस्कार दोस्तों, क्लिप्स एंड फैक्ट्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि किताबों जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं। किताबों के बिना आपका घर ऐसे लगता है जैसे आत्मा बिना शरीर। किताब एक ऐसा उपहार है जिसको कि आप बार बार खोल सकते हैं। न जाने कितनी ही अनगिनत अच्छी और खूबसूरत बातें पुस्तकों के ऊपर कही और लिखी गई हैं। आज मैं आपको ऐसी ही सुंदर किताबों के मेले के सफ़र पर लेकर चल रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लखनऊ बुक फेयर 2021 की। यह लखनऊ पुस्तक मेला 2021 जो लगा हुआ है, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह जो लखनऊ पुस्तक मेला है, लखनऊ बुक फेयर जो 2021 है, इसका आयोजन चार बाग रेलवे स्टेशन जो है उसके ठीक अपोजिट साइड में बाल संग्रहालय है, वहाँ पर एक लान है, वहाँ ये इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 मार्च से 14 मार्च तक यह जो लखनऊ पुस्तक मेला है ये चलेगा, और जो इसका समय है वो सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक इसका, यहाँ पर आप जा कर के इस पुस्तक मेले का आनंद उठा सकते हैं, यहाँ से किताबें खरीद सकते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक मेला जो ये बाल संग्रहालय में लगा है, रविंद्रालय के पास ही है यह बाल संग्रहालय चारबाग में, और यहाँ पर आपको अंदर ही जो पार्किंग का अरेंजमेंट है, आप पार्किंग की व्यवस्था है, आप अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी गाड़ी है वहाँ अंदर में ही पार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाहर चारबाग जो है रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी ऐसे ही क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ पर अंदर आसानी से आप अपनी जो भी व्हीकल है आप उसको पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का इस साहित्य और संगीत से एक पुराना रिश्ता रहा है। कई सारे इतिहासकार, उपन्यासकार, राइटर्स, पोएट्स, कवि यहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इसमें एक नाम हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी नाम आता है। उन्होंने भी अपना काफ़ी समय लखनऊ में दिया है, और यहाँ पर वो घंटों घंटों जो है यहाँ पुस्तकालय में अपना बैठ कर के व्यतीत करते थे। तो कुल मिलाकर के कहें तो अगर हम साहित्य की बात करें, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, सब कुछ इस लखनऊ ने दिया है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। तो आज यह पुस्तक मेला ऐसे ही एक क्षण का गवाह बना है, जहाँ पर आप उनकी मशहूर रचनाएँ, मशहूर कृतियाँ आपको यहाँ पर प्रदर्शित हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि एक साथ इतनी सारी किताबें आपको अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप उनका आनंद उठा सकते हैं आप वहाँ से, और ये जो किताबें हैं काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल रही हैं, तो आप यहाँ से उनको खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकाशन के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसमें जो मैंने देखा जो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी किताबें, यहाँ पर ज़बरदस्त कलेक्शन है उन किताबों का, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हो, गोदान हो, कर्मभूमि हो, सेवा सदन हो, इस तरह की जो भी जो मशहूर किताबें हैं, जो मशहूर साहित्य है हिंदी का, वो आपको खास करके आप देखिए वाणी प्रकाशन में यहाँ पर आपको प्रदर्शित है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ते हैं तो किताबें खरीद कर ही पढ़नी चाहिए। आजकल डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडियम का टाइम है, लोग किताबें जो है वो सॉफ्ट कॉपी में लेकर के पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो किताबों को खरीद कर पढ़िए, और जो किताबों के पन्ने की, जो किताबों के पेजेस की जो खुशबू है वो आपको, वो जो सॉफ्ट कॉपी आप पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, उसमें नहीं मिलती। और दूसरा इसका ये रहता है कि आप
कहीं भी हैं, आपको एक कहते हैं ना साथी की तरह आपकी किताबें हैं, और आपके घर घर में किसी कमरे में आपने एक छोटी सी लाइब्रेरी अगर बना रखी है, कभी भी आपका आप उदास होते हैं, आप अकेले होते हैं, आप किताबों के साथ बैठ जाइए, सारी उदासी सारा अकेलापन चला जाता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो जैसा कि मैंने कहा, किताबों जैसा वफादार कोई दोस्त नहीं। तो आज यह मौका है आप यहाँ पर आ कर के इन खूबसूरत किताबों को, इन सुंदर किताबों से आप रूबरू हो सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। यहाँ पर यह जो मेला है, जो यह पुस्तक लखनऊ पुस्तक मेला है, जो यहाँ पर बाल संग्रहालय में लगा हुआ है, यह प्रांगण इतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा स्वरूप है ये पुस्तक मेले का। लेकिन जो एक खास बात है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर चाहे हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो, सबका मिश्रण आपको देखने को मिलता है। सारा साहित्य आपको यहाँ पर एक ही जगह पर उपलब्ध है। यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा, अलग अलग साहित्य, वैसे ही अलग अलग वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सबके लिए वो उस तरह का भी यहाँ पर कलेक्शन आप देख सकते हैं। जो कॉमिक्स है यहाँ पर, उसका भी एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको जो चाचा चौधरी और साबू वाले जो दिन हैं वो याद आ जाएंगे यहाँ पर आकर के। और बच्चे चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों तरह के यहाँ पर कॉमिक्स अवेलेबल हैं। आप बच्चे जो है यहाँ से उसको भी खरीद सकते हैं। प्रांगण छोटा है, स्वरूप छोटा है, लेकिन ये जो मैंने कहा कि जो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू साहित्य का जो यहाँ पर एक मिश्रण देखने को मिलता है, वो इसको काफी बड़ा बना देता है। यहाँ पर जो उपन्यास है, रचनाएं हैं, उसके अलावा आप अगर आध्यात्म की तरफ जाएं तो आध्यात्मिक किताबें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मोटिवेशन से लेकर के आध्यात्म तक सारी कविताएं, सारी रचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये विवेकानंद वेदांत साहित्य स्टॉल, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई बहुत सारी जो किताबें हैं वह यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनकी जीवनी हो या उनके उपदेश हों, उनकी एनालिसिस हो, सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत सारी जो विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई किताबें हैं, रचनाएं हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित हैं। आप उनको भी खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टॉल है ये। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के शौकीन हैं तो अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की। और ख़ास करके एक स्टॉल ऐसा भी है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट की किताबें भी उपलब्ध हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सॉल्ट पेपर, अनसॉल्ट पेपर, इस तरह की भी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप उनको भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी सी श्रीमद् भगवद गीता पॉकेट में आप रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे आप पॉकेट से निकाल करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला करके कहें तो एक, जैसा कि मैंने कहा, प्रांगण छोटा है, लेकिन जो इसमें कलेक्शन है, जो वैरायटी है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो, वो तीनों का जो ये मिश्रण है, उस वो जो है इस पुस्तक मेले को विराट रूप प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह पुस्तक मेला जो लखनऊ पुस्तक मेला 2021 बाल संग्रहालय में लगा है, इसके ऊपर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।